मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सेमली पहुंचे। यहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। प्रदेश में महिलाओं के 50% आरक्षण का प्रावधान निरंतर जारी रहेगा। इससे महिलाएं लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों और स्थानीय निकायों आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपना सशक्त नेतृत्व प्रदान करेंगी। आगामी 10 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में 1250 की राशि के अतिरिक्त 250 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। शुजालपुर अनुविभाग के ग्राम सेमली चाचा का नाम अब सेमली धाम होगा। इसी बीच सीएम ने भगवान हाटकेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीएम ने कहा कि आगामी रक्षाबंधन के पावन पर्व को 1 अगस्त को 10 अगस्त तक मेरे सहित मंत्री विभिन्न जिलों में जाकर लाडली बहनों से राखी बंधवा कर धूमधाम से मनाएंगे। माता पिता के बाद सबसे सम्मानीय पद बहनों का है। मैं सभी बहनों को प्रणाम करता हूं।